साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्रिम्पिंग हेयर स्टाइल। मैंने रिसेंटली वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर लिया था जिसमें स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग और कर्लिंग थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये क्रिम्स शेयर करने वाली हूँ। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज कम्प्लीटली फ्री। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। सो गाइज, अब मुझे लगने वाला है 1 घंटा, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और क्रिम्पिंग में, स्ट्रेटनिंग में या फिर कर्लिंग में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं आज क्रिम्पिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है वेगा का 3-in-1 स्टाइलर। इसका पूरा का पूरा रिव्यू ना मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने बालों में सीरम लगा लिया है ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। और अब मैं करने वाली हूँ क्रिम्पिंग। फ्रेंड्स, ये मेरा एक सेक्शन तो क्रिम्प्ड हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें और इसमें डिफरेंस। बट मुझे लग रहा है कि मैंने ना थोड़ा सा हैवी सेक्शन ले लिया था, तो अब मैं इसमें कम बालों में करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसमें, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। कम ली है तो इसमें जल्दी हो रहे हैं और क्रिम्प भी ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना थोड़ी पतली पतली लेयर लेके ही अपने बालों को क्रिम्प या कर्ल किया करें। वाला सेक्शन इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से क्रिम्प हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें अपनी जो पार्टीशन लिया था वो हल्का लिया था, यानी कि कम बालों का लिया था। तो फ्रेंड्स, अब लगने वाला है टाइम क्रिम्पिंग करने में, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और मुझे लगा था 1.5 आवर। बट जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई रिज़ल्ट से। तो अगर आप फुल क्रिम्पिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिज़ल्ट देखना चाहते हैं ना तो 7 minutes and 15 seconds पर वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली रिजल्ट भी देख सकते हैं। नाउ एंजॉय द वीडियो।
कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने डिफरेंस देखा ना कि वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे बाल कितने स्ट्रेट और चिपके हुए लग रहे थे। तो क्रिम्पिंग का यही इफेक्ट होता है कि आपकी आउटलुक कंप्लीट चेंज कर देता है। तो इस टाइम मुझे मेरे बाल बहुत ही ज्यादा बाउंसी और घने घने से लग रहे हैं। सो गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। ये हेयर स्टाइल, ये क्रिम्पिंग मेरे ऊपर सूट कर रही है या नहीं, उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। और जाने से पहले अपने जिस सब्सक्राइबर का नाम आज मैं लेने वाली हूँ, उनका नाम है अदिति स्वरूप, तो शाउट आउट टू यू अदिति। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए ना नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।